जैन रूस के राष्ट्रपति सोमवार को भारत आए, जिसके बाद उन्होंने पीएम से मुलाकात की। भारत और रूस के 21वें वार्षिक सम्मेलन में पुतिन आए हुए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही इस चर्चा में कई क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि इससे भारत और रूस के रणनीतिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दशकों में विश्व में कई परिवर्तन और बदलाव हुए हैं, लेकिन दोनों देशों की दोस्ती वैसी ही है जैसे पहले थी। भारत और रूस की मित्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोनों देशों की दोस्ती की इसी अहमियत को देखते हुए भारत ने S-400 सौदे पर अमेरिकी एतराज को दरकिनार किया। पुतिन ने भी 21वें भारत और रूस वार्षिक सम्मेलन में आकर इस दोस्ती को मजबूत और विश्वसनीय बनाने की कोशिश की। पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान ताकत और ऐसा दोस्त मानते हैं जो वक्त की कसौटी पर खड़ा उतरा है। हम भारत को एक घनिष्ठ मित्र के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय दोनों देशों के बीच करीब 38 अरब डॉलर का निवेश है। पुतिन का भारत आना और सम्मेलन में शामिल होना काफी अहम है, क्योंकि जो पुतिन कभी पाकिस्तान नहीं गए, वो कोरोना के समय में पिछले 2 सालों में किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, वही पुतिन करीब 5 घंटे के लिए भारत आए। जानकार इसे भारत और रूस के रिश्तों के भविष्य की नींव बता रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देख